हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं अति प्राचीन मंदिर। मंदिर पहुंचते ही हमें बड़ा आनंद आया क्योंकि मैंने और मम्मी ने मिलकर हनुमान जी के दर्शन किए, जो कि बड़े ही दुर्लभ दर्शन थे। हम वहां पहुंचे ही थे कि भीड़ का आना स्टार्ट हो गया। फिर मंदिर में जो प्रसाद वितरण हो रहा था, हमने उसे प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसके पश्चात हमने और मम्मी ने मिलकर चालीसा मंदिर परिसर में ही बैठ के की। उसके पश्चात हमें जाना था और एक अति प्राचीन मंदिर। रास्ते का दृश्य बहुत ही सुहावना था। हम लोग जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम पहुंचने वाले थे ज्वाला देवी मंदिर। हम जैसे ही ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे, मान्यता है ज्वाला देवी मंदिर में आप सच्चे दिल से जो भी मांगिए आपका तुरंत पूरा होता है और इस मंदिर परिसर में हमेशा एक कुत्ता बैठा रहता है। अब हम मंदिर परिसर के ओर परिक्रमा कर रहे थे जहां हमने शंकर जी के दर्शन किए। वहां का भी दृश्य बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। यहां भी चैत्र के नवरात्रों में और कुमार के नवरात्रों में मेला लगता है बहुत ही भीषण। उसके पश्चात बजरंगबली के दर्शन हुए हमें। अब हमें जाना था छिबरामऊ की ओर, क्योंकि हम छिबरामऊ से 9 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके थे। छिबरामऊ में हमें कुछ काम था। मंदिर में हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। दर्शन करने के पश्चात अब हम निकल ही रहे थे छिबरामऊ की ओर कि रास्ते में हम वन खंडेश्वर मंदिर भी पहुंच गए, जहां पे हमने बहुत ही प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए जो वन खंडेश्वर महाराज जी हैं। शंकर जी का मंदिर है और मंदिर परिसर यहाँ भी बहुत ही बड़ा था। यहाँ भी बताया जाता है कि मेला लगता है सावन के महीने में। यहाँ से पूर्णागिरि की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है